नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 रुपए के बेहद कीमती सिक्के की। इस सिक्के को 1985 में इंग्लैंड की हिटॉन मिंट ने बनाया था। यह 1 रुपए का सिक्का काफी महंगा इसलिए है क्योंकि अब तक इस प्रकार का सिर्फ यही एक सिक्का मिला है। दूसरा सिक्का अब तक किसी ने देखा भी नहीं है। यह सिक्का एक विदेशी मिंट में क्यों डाला गया था, यह जानने के लिए चलते हैं अर्वाचीन इतिहास में। यह कहानी है 1980 के दशक के शुरुआती वर्षों की। इन वर्षों में भारत की जो 3 मिंट थी, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट, ये तीनों मिंट भारत के चलनी सिक्के बनाती थी। लेकिन ये 3 मिंट मिलकर भी भारत के लोगों के सिक्कों की मांग को पूरी नहीं कर पा रही थी। यह 2 कारणों से हो रहा था। इसका पहला कारण था भारत की बढ़ती हुई आबादी। इस आबादी के बढ़ती हुई मांग को पूरा करना भारत की 3 मिंट के लिए मुश्किल हो रहा था। यह इसलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि भारत की सारे मिंट की सिक्के बनाने की मशीनरी पुरानी हो चली थी और उन पुरानी मशीन में अब ज़्यादा काम करने की संभावना घटती जा रही थी। इन 2 कारणों से मजबूर होकर भारत सरकार को जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाना जरूरी बन गया था और कम समय में सिक्कों की आपूर्ति करना संभव था जब विदेशी मिंट में भारत के सिक्के बनाए जाए। इसी कारण से विदेश की कुछ मिंटों ने भारत सरकार से सिक्के छापने का कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की थी। इन मिंट में इंग्लैंड की हिटॉन मिंट भी थी। भारत के इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए हिटॉन मिंट ने भारत के कुछ प्रयोगात्मक तौर पर सिक्के बनाए और यह कॉन्ट्रैक्ट पाने की सफल कोशिश की थी। इसी प्रक्रिया में हिटॉन मिंट ने यह जो प्रयोगात्मक सिक्के बनाए थे उनमें 1 रुपए का यह 1985 का ट्रायल कॉइन भी था। इसके साथ साथ हिटॉन मिंट ने 1984 में 2 रुपए के कुछ सिक्के भी बनाए थे जो बहुत ही रेयर होते हैं और काफ़ी कीमती होते हैं। इन 2 रुपए के इन सिक्कों पर हमने एपिसोड 27 बनाया था जिसमें आपको हिटॉन मिंट और इन 2 रुपए के सिक्कों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप यह एपिसोड जरूर देखिएगा। इस हिटॉन मिंट का मिंट मार्क है इंग्लिश अक्षर कैपिटल एच। 1985 में जब यह 1 रुपए का सिक्का छापने का कॉन्ट्रैक्ट हिटॉन मिंट को मिला तब उसने यही एच मिंट मार्क वर्ष के आंकड़ों के नीचे रखकर भारत के 1 रुपए के सिक्के बनाए। यह अद्वितीय 1 रुपए का सिक्का प्रयोगात्मक है और इसे ट्रायल OMS कहते हैं। OMS का अर्थ होता है ऑफ मेटल स्ट्राइक। कई लोग इसे अदर मेटल स्ट्राइक भी कहते हैं। यह OMS के सिक्के 2 कारणों से बनाए जाते थे। पहला कारण है कि जब किसी एक मिंट को दूसरे देश के सिक्के छापने हो तब प्रयोगात्मक तौर पर यह सिक्के बनाकर इन्हें सैंपल के तौर पर दिखाकर उस देश के सिक्के छापने का कॉन्ट्रैक्ट लेने की प्रथा है। इसका दूसरा कारण यह है कि जब किसी सिक्के की नई डिजाइन बनती है तब उस सिक्के की नई डाई से
अलग अलग धातुओं में सिक्के बनाकर उस डाई को चेक किया जाता है। इन दोनों वजह से इस प्रकार के ट्रायल ओएमएस सिक्के बनाए जाते हैं। 1 रुपए का यह ट्रायल ओएमएस सिक्का कॉपर निकल के बदले सिर्फ कॉपर में तांबे में बनाया गया है। इसका वजन भी दूसरे सिक्कों के मुकाबले ज़्यादा है। इस तरह के सामान्य सिक्के 6 ग्राम के थे, जब इस सिक्के का वजन 7.25 ग्राम के करीब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1985 के 5 अंक के नीचे हिटॉन मिंट का एच मिंट मार्क बनाया गया है। इस सिक्के के अग्रभाग पर दूसरे सामान्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही भारत का राज चिन्ह और भारत इंडिया लिखा गया है। इस सिक्के की दूसरी तरफ बाकी एच मिंट मार्क वाले सामान्य सिक्कों जैसी ही डिजाइन बनाई गई है। ।1985 का यह ट्रायल ओएमएस सिक्का बेहद रेयर होता है। इस तरह का एक सिक्का 2018 में 2,50,000 रुपयों में बिका था। और हाँ, एक बात और, यहां पर यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि इस तरह के बहुत सारे सिक्के आपको बाजार में मिल जाएंगे, किंतु वह सारे सिक्के महंगे नहीं होते हैं। यह इसलिए है क्योंकि हिटॉन मिंट ने इस तरह के 6 ग्राम वाले सिक्के कॉपर निकल में बनाए थे। ऐसे सिक्कों का मिंटेज है 100 करोड़ सिक्के। ऐसे कॉपर निकल के सिक्कों की कीमत सिर्फ 1 रुपया ही है और इससे ज़्यादा पैसे आपको कभी नहीं मिलेंगे। आपको ज़्यादा पैसे तब ही मिलेंगे जब यह सिक्का कॉपर निकल के बदले सिर्फ तांबे का हो और उसका वजन 6 ग्राम के बदले 7.15 ग्राम हो। इसलिए आपके पास जो ऐसा सिक्का है उसे एक बार तलाश लीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मजेदार सिक्के की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर आपके पास यह सिक्का हो तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। सिक्के जमा करिए, आनंद के साथ पैसे भी कमाइए। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट हमारे वीडियो में आए? आपको सिर्फ इतना करना है, कॉइन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड्स में आए। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं।